गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, आप सभी लोग अपनी हिंदी की बुक निकालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन थ्री मानव धर्म, पेज नंबर 18। जन्म से प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धर्म को मानता आया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि, है ना। सब अपने अपने धर्म के अनुसार विश्वास करते हैं, पर मानव धर्म की बात भी हमने सुन रखी है, ठीक है। मानव अर्थात मनुष्य, धर्म अर्थात विश्वास या शुभ कर्म, ठीक है। मानव का अर्थ होता है मनुष्य, यानी जैसे हम लोग, धर्म का अर्थात है विश्वास या शुभ काम करना, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव के प्रति कौन सा विश्वास, कौन सा शुभ कर्म, यही अब ये क्वेश्चन प्रश्न उठ रहा है कि मानव को कैसा, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा विश्वास, कैसा विश्वास और कैसा अच्छा काम, किसे अच्छा काम कहेंगे और कैसा विश्वास करेंगे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह से भी उनके विरोधियों ने यही प्रश्न किया था कि मानव धर्म किसे कहते हैं। भगवान जो यीशु मसीह हैं, उनसे भी उनके जो उनको नहीं पसंद करते, तो उन लोगों ने पूछा कि आखिर मानव धर्म किसे कहा जाता है। इस प्रश्न को उन्होंने बहुत ही सरल और साधारण ढंग से एक उदाहरण देकर इस प्रकार समझाया था कि एक बार एक धनी मनुष्य एक शहर से किसी दूसरे शहर व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था। एक बार एक कोई पैसे वाला जो आदमी था, वो एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान बेचने व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था। मार्ग में वो डाकुओं से घिर गया। रास्ते में वो डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने उसे इतना मारा कि बेचारा वो मरा नहीं, लेकिन इतना घायल हो गया कि वो खुद ही उठ नहीं पा रहा था, ठीक है। कुछ समय बाद एक याजक उस मार्ग से गुजर रहा था। याजक कौन? पुरोहित, पंडित जी, या जिसको जो समझिए, ठीक है, या फादर, ईसाई की भाषा में फादर, मुस्लिम भाषा में मौलवी, और हिंदू भाषा में पंडित, पुरोहित, ठीक है। उस मार्ग से गुजर रहा था। उसने उस घायल व्यक्ति को देखा तो वह उसे अनदेखा करके चला गया। तो वो क्या हुआ, उस पंडित ने जब उस घायल व्यक्ति को देखा तो वो वहाँ से उसे अनदेखा करके चला गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी उधर से निकला, जहाँ वो घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो भी उसे देखकर बिना कुछ किए वहाँ से चला गया। सभी लोग आते और उसे देख के चले जाते, समझ में आया। किसी ने भी उस व्यक्ति की, देखिए जो घायल व्यक्ति पड़ा है, ऐसी मदद कोई नहीं करता, जो आता देखिए सब देखते और वापस ऐसे निकल लेते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उसी मार्ग से एक गरीब व्यक्ति यात्रा कर रहा था। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां घायल व्यक्ति पड़ा था। उसी रास्ते में जब कुछ देर के बाद उसी रास्ते से जब वो लोग चले गए, तो उसी रास्ते से एक गरीब व्यक्ति यात्रा कर रहा था, जा रहा था, तो उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो व्यक्ति गिरा हुआ था, घायल पड़ा हुआ था। जब उस घायल व्यक्ति को देखा तो उसे उस व्यक्ति पर बहुत दया आई, समझ रहे हैं। उसने उसके पास जाकर उसे उठाया और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे पास के एक धर्मशाला में ले गया। उस घायल व्यक्ति को उसने देखा, गरीब व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उस घायल व्यक्ति को देखा तो वो उसको उस पर दया आ गई, और वो अपनी सवारी पर बैठाया और उसे पास के एक धर्मशाला में ले गया। वहाँ स्वयं उसने उसके घावों पर तेल डालकर पट्टियाँ बांधी और उसकी सेवा सहायता शुश्रूषा कर दी। सेवा शुश्रूषा का मतलब उसकी सहायता, सेवा कर दी। धर्मशाला के मालिक को थोड़ा सा पैसा दे दिया और कहा कि 3-4 दिन के बाद जब मैं इसी रास्ते से लौटूंगा, तब आपका बाकी पैसा और खर्चा दे दूंगा, आप इस व्यक्ति का ध्यान रखिए, ठीक है। यह दृष्टांत कहकर प्रभु यीशु ने उन्हीं लोगों से पूछा, अब तुम ही बताओ कि उस घायल मनुष्य के प्रति शुभ कार्य किसने किया। जब यह कहानी उन्होंने सारे लोगों को सुना दी, अपने विरोधियों को, तो उनसे पूछा कि अब आप ही लोग बताइए कि उस घायल मनुष्य के प्रति अच्छा काम किसने किया। उन तीनों व्यक्तियों में से जो उसके पास से होकर गए थे, किसने मानव धर्म को अपनाया? स्पष्ट था कि तीसरे व्यक्ति ने बिना उसकी जाति तथा धर्म भेदभाव जाने उस पर दया की,
अपने समान उसे एक मनुष्य जानकर उसकी सहायता की और उसकी भलाई की। इस प्रकार उसने मानव धर्म को अपनाया। आगे बात समझ में कि तीसरे व्यक्ति ने ये तो नहीं पूछा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, कि उसके धर्म का है कि नहीं, लेकिन उसको वो घायल पड़ा हुआ देखा, उसको उस पर दया आ गई और उसने उसे उसकी एक मनुष्य समझ के उसकी सहायता कर दी, है ना। लेकिन वो जो याजक जो जा रहे थे, जो पुरोहित जा रहे थे, उन लोगों ने उसके धर्म के होते हुए भी या न भी थे, फिर भी उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। तो उन्होंने मानव धर्म नहीं अपनाया और इस गरीब व्यक्ति ने मानव धर्म अपनाया। किसी भी गरीब लोगों की या किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करना, उसकी सहायता करना, यही मानव धर्म कहलाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने समान प्रेम करो। प्रत्येक मनुष्य को अपने समान ही प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार हमें चोट लगने पर दर्द होता है और हमें लगता है कि कोई हमारी आके मदद करे, हमारी सहायता करे, उसी प्रकार हर मनुष्य को कि उसको ज़रूरत पड़ने पे या किसी कष्ट होने पे उसकी सहायता करनी चाहिए। उनको अपने समान ही समझना चाहिए। आगे बात समझ में आइए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छे से ना समझ पाए हो तो इनको फिर से समझाया गया है। धर्म, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म आदि। धर्म 4-5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू कहाँ जाते हैं? हिंदू मंदिर में जाते हैं। बौद्ध और सिख जो है वो गुरुद्वारा जाते हैं। मुस्लिम जो है मस्जिद में जाते हैं। ईसाई जो है चर्च, गिरजाघर में जाते हैं, है ना। यह सच है कि बच्चों की आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, स्वाभाविक है कि आप उसी परिवार में माने जाने वाले धर्म में विश्वास करते हैं। अगर आप हिंदू में जन्म लिए हैं तो हिंदू धर्म को अपनाएंगे, मुस्लिम में जन्म लिए हैं तो मुस्लिम धर्म को अपनाएंगे, और सिख या ईसाई धर्म में जन्म लिए हैं तो आप उस धर्म को अपनाएंगे। वास्तव में प्रत्येक धर्म अच्छी बातों और शिक्षाओं से भरा है, जबकि वास्तव में सारे धर्म में एक ही जैसी बातें बताई गई हैं। उन सारे धर्मों में अच्छी बातें ही बताई गई हैं। किसी में ये नहीं कहा गया है कि किसी भी मनुष्य की आप सहायता नहीं कीजिए। किसी कोई मनुष्य अगर कोई दुख हो तो उसकी सहायता नहीं करना, ये किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है। इस कारण कोई भी धर्म किसी दूसरे मनुष्य की हानि करना नहीं सिखाता। इसी प्रकार कोई भी जो धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जो धर्म है, उसमें ये नहीं लिखा है कि आप किसी भी मनुष्य को नुकसान पहुंचाएं और उसकी सेवा सहायता ना करें, ठीक है। याजक, पुरोहित, पंडित आदि लोग धर्म गुरु कहलाते हैं। सभी धर्म के जो पंडित होते हैं उनको याजक, पुरोहित, पंडित आदि जो लोग हैं वो धर्म गुरु कहलाते हैं, जो धर्म के विषय में बताते हैं और सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए कहते हैं। यही लोग बताते हैं कि हम लोगों को कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम नहीं है, किस काम करने से अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इन लोगों की और यही सारे हम लोगों की धार्मिकता को धर्म के अनुसार जो काम होते हैं उसको पूरा कराते हैं। जैसे पूजा पाठ कुछ भी जो होता है वो लोग यही लोग कराते हैं। अब हम लोग मानव धर्म जानेंगे कि मानव धर्म में विश्वास करना और उसको अपनाने का अर्थ है हम प्रत्येक मनुष्य से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, ठीक है। मानव धर्म में विश्वास करने का मतलब यही है कि जैसा हम चाहते हैं कि अगर हम किसी के घर, अगर हम कोई कष्ट में हों तो कोई आके मेरी मदद करे, कोई मेरी सहायता करे, तो उसी को हमको उसी तरह व्यवहार जो है दूसरों के साथ भी करना चाहिए। उस समय ना तो हमें किसी का धर्म देखना चाहिए और ना ही किसी की जाति। इस प्रकार हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। मानव धर्म को दूसरे शब्दों में इंसानियत भी कहते हैं। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया मानव धर्म क्या होता है, कि दूसरों की सेवा करना ही मानव धर्म है। दूसरों की सेवा करते समय हमको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख ईसाई है, जो भी है, किसी किस जाति का है, हमें ये बात इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बस हमें अगर वो कष्ट में है और उसको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हमको उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। आइए इस पाठ का हम कठिन शब्द जो है वो आपको भेज देंगे और ये वर्ड मीनिंग शब्द अर्थ भी भेज देंगे। आप लोग इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे लर्न भी करते रहिएगा क्योंकि 20 के बाद, ठीक है। आज के लिए बस इतना। हैव अ गुड डे बेटा।